Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the biomolecule. So in this particular video, we detail discuss about biomolecule. So I hope you will enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and a WhatsApp channel on my channel. So please go through WhatsApp channel on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back to another new interesting video. So now we discuss about nucleic acid. Nucleic acid क्या होता है? इसके बारे में हम discuss करेंगे. तो first period भारतीय ने NCERT test हो. After that elaborate engineering everything but simple and easy but slowly begin without wasting any time. तो nucleic acid क्या होता है? Nucleic acid क्या होता है? इसके बारे में discuss करेंगे. So the other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is nucleic acid. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो nucleic acid होता है एक टाइप का क्या है माइक्रोमोलिक्यूल है. और मैंने आपको बताया था कि माइक्रोमोलिक्यूल nucleic acid प्रोटीन सारे के सारे जो हैं ये कैसे हैं माइक्रोमोलिक्यूल हैं. कैसे माइक्रोमोलिक्यूल में कैसे बायोमाइक्रोमोलिक्यूल कैसे बायोमाइक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल यानी ये फिल्टर नहीं हो रहे थे यानी ये एसिड सॉल्युबल पूल में के साथ ये डिजॉल्व नहीं हो रहे थे इसलिए इनको क्या बोला बायो माइक्रोमोलिक्यूल बोला है ना. द अदर टाइप ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल वन वुड फाइंड द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जा रहा था यानी ये एसिड के साथ डिजॉल्व नहीं हो रहा था. एनी लिविंग टिश्यू हम क्या ले रहे थे वहाँ वेजिटेबल का पीस ले रहे थे या लीवर का पीस ले रहे थे इसलिए यहाँ पे बोला लिविंग टिश्यू है ना. ये क्या है न्यूक्लिक एसिड जो है ये माइक्रोमोलिक्यूल हैं जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जा रहे थे लिविंग टिश्यू के. ठीक है आगे देखते हैं दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये जो होते हैं क्या होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेंगे है ना बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेंगे इसलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला गया. ठीक है क्या बोला गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला गया. टुगेदर विद पॉलीसेक्राइड है ना टुगेदर विथ पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड दीज कंप्राइज द ट्रू माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू और सेल है ना. ये किसके साथ पॉलीसेक्राइड के साथ में है ना पॉलीसेक्राइड यानी बहुत सारी मोनोमर ऑफ द शुगर के मिलके पॉलीसेक्राइड बना लेंगी यानी शुगर बना लेंगी. क्या बनाएंगी इसका मतलब क्या हुआ शुगर हुआ और पॉलीपेप्टाइड के साथ मिलके ये क्या बना लेंगे ये बनाते हैं ट्रू माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल. ये पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ मिलके ट्रू मॉलिकुलर लिविंग टिश्यू का ट्रू मॉलिकुलर फ्रैक्शन यानी मॉलिकुलर फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे हुआ ट्रू माइक्रोमोलिकुलर का फ्रैक्शन बनाएंगे यानी मॉलिकुलर का बायोमोलिकुल का भाग बनाएंगे. ठीक है आगे क्या है फॉर न्यूक्लिक एसिड के लिए फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज ए न्यूक्लियोटाइड है ना. न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है यानी न्यूक्लिक एसिड को बनाने का काम करता है वो क्या होता है न्यूक्लियोटाइड होता है. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है जब हमारे नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट है ना. जब फॉस्फेट आ जाएगा जब ये नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर तीनों चीज़ मिल जाएंगी तो क्या बना लेंगी वो न्यूक्लियोटाइड बना लेंगी. और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है जब हमारे नाइट्रोजन बेस है ना नाइट्रोजन बेस और शुगर मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे ये न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे. क्या बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड नॉट टाइड क्या बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे. नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर फास्फेट मिलके तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. ठीक है समझ गए होंगे आप. आगे देखते हैं ए न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट. तो इसका मतलब यही है कि ये आपको बताएगा कि शुगर होता है फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजन बेस होते हैं. यही बताया न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोटाइड के पास तीन डिफरेंट डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. क्या होता है मतलब इसका डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं केमिकल के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं वन इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. एक क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है. यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजनस बेस आएंगे. कौन क्या आएंगे नाइट्रोजन बेस आएंगे. यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आएंगे जैसे हमने प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या है हमारे नाइट्रोजन बेस हैं. प्यूरिन में क्या आता है प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या है ये नाइट्रोजनस बेस हैं. क्या है
प्री मिडीन क्या है, नाइट्रोजन बेस हैं, इनमें नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब प्यूरिन में क्या आते हैं, प्यूरिन डबल मेंबर रिंग होती है ना, डबल मेंबर रिंग होती है। प्यूरिन क्या होती है, प्यूरिन डबल मेंबर रिंग होती है, यानी दो मेंबर की रिंग होती है। इसमें क्या आते हैं, एडनिन और गोनिन आते हैं, एडनिन और गोनिन आते हैं। ये प्यूरिन हमारे, और पिरीमिडिन क्या हुए, पिरीमिडिन क्या हुए, कट यानी साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन इज द पिरीमिडिन। ठीक है, प्यूरिन एडनिन गोनिन और पिरीमिडिन क्या हुए, साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, ये कैसे हैं, नाइट्रोजन बेस हैं। जो प्यूरिन होती है वो डबल मेंबर रिंग होती है, और जो पिरीमिडिन होती है वो सिंगल मेंबर रिंग होती है ना। इसमें तीन कंपोनेंट के बारे में बताया था, जिसमें एक हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड बता दिया, ये हमारा नाइट्रोजन बेस हो गया है ना। और सेकंड जो होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड बोला यानी सैकेराइड वर्ड शुगर से रिलेटेड होता है, तो यानी यहाँ पे शुगर की बात हो गई। ठीक है, किसकी बात हो गई, शुगर की बात हो गई। और थर्ड कंपोनेंट क्या बताया, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड बोला या फास्फेट बोला, फास्फोरिक एसिड यानी फास्फोरस आएगा ही है ना, फास्फोरस आएगा ही यानी एसिड ग्रुप आएगा है ना, फास्फोर एसिड यानी फास्फेट आएगा है ना, फास्फेट आएगा। तो ये तीन चीज़ें हो गई, शुगर बेस फास्फेट मिलके क्या बना दिए, नाइट्रोजन बेस शुगर और फास्फेट मिलके बना दिए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आगे देखते हैं, एज यू नोटिस फिगर 9.1, जैसे आपने फिगर 9.1 टेबल में दिया था, ऐसे नोटिस किया होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज इन न्यूक्लिक एसिड आर नाइट्रोजन बेस है ना। हेट्रोसाइकिल कंपाउंड आपने देखा होगा, न्यूक्लिक एसिड में क्या थे, नाइट्रोजन बेस थे। नाइट्रोजन बेस के हमको यहाँ पे नाम दिए गए हैं, क्या क्या नाम दिए गए हैं, एडनिन और गोनिन। एडनिन और गोनिन क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, प्यूरिन हैं, क्या हैं, प्यूरिन। एडनिन गोनिन जो हैं ये प्यूरिन हैं। और उसके बाद क्या दिया है, यूरेसिल साइटोसिन और थाइमिन क्या हैं, ये पिरीमिडिन हैं। यूरेसिल साइटोसिन और यूरेसिल थाइमिन साइटोसिन क्या है, ये पिरीमिडिन हैं। ठीक है, आगे क्या, एडनिन एंड गोनिन, एडनिन एंड गोनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। मैंने आपको बताया था एडनिन और गोनिन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स होते हैं, यानी ये क्या हैं, प्यूरिन्स हैं। ठीक है, वाइल रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड पिरीमिडिन। और इसके अलावा कौन कौन से, वाइल रेस्ट मतलब इसके अलावा कौन से, साइटोसिन यूरेसिन और जो थाइमिन हैं, ये कैसे हैं, सब्स्टिट्यूटेड पिरीमिडिन्स हैं, यानी ये क्या हैं, पिरीमिडिन्स हैं। आगे क्या है, आगे क्या बताया, द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पिरीमिडिन रिस्पेक्टिवली, यानी जिसमें एडनिन और गोनिन आएगा उसको प्यूरिन बोलेंगे, जिसमें साइटोसिन और यूरेसिल और थाइमिन आएगा उसको क्या बोलेंगे, पिरीमिडिन बोलेंगे। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज, है ना, जो शुगर पाई जाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, जो शुगर पाई जाएगी यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा शुगर बनेगा, यानी शुगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट से मिलके बनेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होगा, इसमें जो शुगर पाई जाएगी वो आइदर राइबोज हो सकती है, सॉरी अगर वो शुगर होगी आइदर राइबोज हो सकती है, यानी फाइव कार्बन की शुगर हो सकती है ना, पेंट की यानी पेंटोस शुगर हो सकती है। कैसी हो सकती है शुगर, पेंटोस हो सकती है, आइदर राइबोज जो होती है पाँच कार्बन की होती है, और है ना, और सेकेंड डिऑक्सी राइबोज, और सेकेंड पोजिशन पर डिऑक्सी राइबोज हो सकती है। तो कौन कौन सी मतलब इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल बढ़ जाइए, वो फाइव कार्बन की शुगर हो सकती है ना, यानी रेबुलोज हो सकती है, राइबोज शुगर हो सकती है, या डीऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है ना। ए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज इज कॉल्ड, अगर जो न्यूक्लिक एसिड क्या डीऑक्सी राइबोज कंटेन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलेंगे उसको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए बोलते हैं। जो 99% जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है हमारा, डीएनए होता है, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है 99% होता है डीएनए होता है, आरएनए होता है कुछ वायरसों में, है ना, कुछ वायरसों में आरएनए होता है, बट 99% जो होगा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। वाइल्ड डेट विच कंटेन राइबोज इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, जिसमें डीऑक्सी राइबोज होगा तो उसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, और जिसमें राइबोज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। ये आरएनए होता है सम वायरसों में जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें होता है सम वायरस में, यानी कुछ वायरस होंगे जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होगा क्या, आरएनए। अब हमसे कभी कभी ये पूछता है कि एडनिन थाइमिन से जुड़ता है कितने बॉन्ड से जुड़ता है, और जो साइटोसिन होता है वो गोनियोसिन से कितने बॉन्ड से जुड़ता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, जो क्या होता है एडनिन होता है, क्या होता है एडनिन होता है, वो थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, एडनिन जो होता है थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और एडनिन जो होता है डबल बॉन्ड से यूरेसिल से भी जुड़ता है, और जो साइटोसिन होता है
वो गोनिन से तीन बॉन्ड से जुड़ता है, या गोनिन साइटोसिन से जुड़े तो भी तीन बॉन्ड से जुड़ेगा, या साइटोसिन गोनिन से जुड़े तो भी तीन बॉन्ड से जुड़ेगा। ये जो बॉन्ड होते हैं कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हाई एनर्जी बॉन्ड भी बोलते हैं। ये एडनिन और थाइमिन, ये डीएनए के केस में होता है। जब एडनिन से थाइमिन जुड़ेगा तो वो किसके केस में होगा? डीएनए के केस में। जब डीएनए में एडनिन से थाइमिन जुड़ेगा तो वो डीएनए होगा। जब एडनिन से यूरेसिल जुड़ेगा, एडनिन से यूरेसिल जुड़ेगा या यूरेसिल से एडनिन जुड़ेगा तो वो किसके केस में होता है? आरएनए की। जब हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमको देखेंगे एडनिन जो जुड़ा है वो यूरेसिल से जुड़ा है, है ना। और जो गोनिन और साइटोसिन होता है वो डीएनए और आरएनए में दोनों में कॉमन होता है। वो डीएनए और आरएनए दोनों में गोनिन साइटोसिन से तीन बॉन्ड से ही जुड़ेगा, ठीक है। बट जो आरएनए में होता है वहाँ पे थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। ये बात याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का छोटा सा पोर्शन था, एनसीईआरटी में आर्टिकल दिया गया था, हम लोगों ने अच्छे से उसको देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें स्ट्रक्चर और प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक माय सेशन, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स।